नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होता है और इस त्यौहार को बदनाम करने की, इस त्यौहार को बदसूरत बनाने की जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि बंगाल का चुनाव जो है इस बार सबसे हाई वोल्टेज भरा चुनाव होने वाला है, ये उम्मीद लगाई जा रही थी और दुर्भाग्य से वही होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बंगाल के अंदर जो है एक कैंपेन चल रहा है, नो वोट टू बीजेपी, यानी बीजेपी को कोई वोट नहीं, एक कैंपेन चल रहा है। और इसी तरह के पोस्टर जो है वो कलकत्ता के अंदर एक फेमस कॉफी हाउस है उसके अंदर भी इसी तरह के पोस्टर लगे हुए थे। लेकिन इस कॉफी हाउस के अंदर बीजेपी समर्थक कुछ लोग, बीजेपी के नेता वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंच करके उन पोस्टरों को फाड़ने की, उन पोस्टरों के ऊपर काली पोतने की और वहां पर जो है तोड़फोड़ करने की, डराने की, धमकाने की कोशिश करते हैं। और किस तरह से देखिए, बीजेपी के कई सारे जो सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, तेजेंद्र पाल बग्गा भी वहां पर पहुंचते हैं। ये आप मेरे बगल में देख रहे होंगे, पिंट ने जो है स्टोरी की है, वीडियो में आपको दिखाएंगे। और वीडियो में बहुत ही विवादित जो है वो नारे भी लगाए गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। और नारों का कनेक्शन क्या है, ये आखिरकार सोच क्या है और बंगाल के चुनाव में और क्या क्या होगा वो भी बताएंगे। तो दरअसल जो है इस कॉफी हाउस के अंदर जो है बीजेपी समर्थक, ये नेता वहां पर पहुंच जाते हैं। बीजेपी के नेता हैं कई सारे समर्थक हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं, और जिन्होंने भगवा रंग की मोदी टी शर्ट पहनी हुई होती है, और वहां पर वो पहुंच करके लोगों को डराने, धमकाने और वहां पर जो पोस्टर लगे हुए थे उन पोस्टरों को जो है उनके ऊपर कालिख पोतने का काम करते हैं। नो वोट टू बीजेपी की, नो के ऊपर जो है वो कालिख पोत देते हैं, वोट टू बीजेपी ये इस तरह से जो है वो छोड़ देते हैं, जो पोस्टर फट नहीं पाते हैं। तो ये आप देखिए कि किस तरह से जो है वो बंगाल का चुनाव जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है और बंगाल के चुनाव में जो है वो हिंसा क्या हो सकती है, एक बड़ा सवाल है। और उसकी बानगी जो है वो अब दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं बता रही है कि आप जो है वो बंगाल के चुनाव को हिंसात्मक बनाना चाहते हैं। वरना इस तरह से कहीं पर भी आप अपनी निजी कॉफी हाउस है या कुछ और है, आप उसके अंदर किसी तरह का भी पोस्टर लगाएं, वो आपकी अपनी निजी जो है वो जमीन है, आपका निजी जो है वो कारखाना है या घर है, आप अपने उसके अंदर जो है सार्वजनिक जगह पर आप पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, उसकी मनाही होनी चाहिए। लेकिन निजी मैं अपनी दुकान के अंदर, अपने रेस्टोरेंट के अंदर क्या फोटो लगाता हूं वो मेरा निजी मामला होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, बात यहीं तक नहीं रुकती है, इसमें वीडियो हम आपको दिखाते हैं, वीडियो के अंदर जो है वो किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। इसमें जो है वो नारे सुनाई दे रहे हैं और ये जो है वो अभी सच्चाई इसकी सामने आनी बाकी है कि वीडियो ठीक ठाक है या एडिटेड है। लेकिन अभी तक प्राथमिक अगर तौर पर देखें तो ये वीडियो एडिटेड नहीं दिखाई दे रही है। और इस वीडियो में जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, जय दुर्गा की छाती पर कमल खिलेगा माटी पर। दुर्गा जो है वो बंगाल की देवी है और दुर्गा हिंदू धर्म की आस्था रखने वाले तमाम लोगों की देवी है, दुर्गा, मां दुर्गा। और उस दुर्गा का ये अपमान, क्या बंगाल वाकई ही जो है वो बीजेपी के लोगों को जो है वो माफ करेगा बंगाल? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ये नारे वहां पर लगाए हैं, जय दुर्गा की छाती पर कमल खिलेगा माटी पर, ये कहना क्या चाहते हैं? और ये जो है नारे, इन नारों का पहले किन किन घटनाओं के साथ में कनेक्शन है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, किस तरह से ये समर्थक है या गुंडे हैं ये आप खुद से तय करिए। मोदी टी शर्ट में, भगवा रंग की मोदी टी शर्ट में ये लोग पहुंच करके वहां पर देखिए किस तरह से नारे लगा रहे हैं, जय दुर्गा की छाती पर कमल खिलेगा माटी पर। सुनिए, हमने कहा मुरीद, हमने कहा।
अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये बंगाल के चुनाव को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव तो लोकतंत्र का त्यौहार होते हैं, सबसे बड़ा त्यौहार होता है, और हर किसी को उस त्यौहार को सफल बनाने के लिए, उस त्यौहार में चकाचौंध करने के लिए जो है वो अपनी तरफ से प्रयास करने चाहिए। लेकिन उस त्यौहार को जो है ये लोग बदनाम करने के लिए और बंगाल के भाईचारे को बदनाम करने के लिए किस तरह के जो है षड्यंत्र किए जा रहे हैं, और बंगाल के चुनाव को हिंसात्मक बनाने के लिए जो है वो किस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, ये सब आपके सामने है। और क्या आपको लगता है कि बंगाल की जनता जो है वो इन लोगों को माफ करेगी? लेकिन जो नारा इन्होंने लगाया है, जय दुर्गा की छाती पर कमल खिलेगा माटी पर, ये नारे कौन लगाते हैं? इन नारों का संबंध है, क्रोनोलॉजी को आप समझिए। कुछ एक खबरें दिखाते हैं कि इस तरह के नारे जो है वो पहले कहां कहां पर लगे हैं और ये नारे लगाने वाले लोगों में कौन कौन शामिल रहा है। जनसत्ता की यह खबर देखिए, जनसत्ता की यह खबर है 7 जनवरी 2020 की, और यहां पर जो है जनसत्ता की यह खबर में बताया गया है, और ये वीडियो भी आपने पहले देखी होगी, कि वामपंथ की कब्र खुदेगी सावरकर की धरती पर, ऐसे नारे लगाते हुए लड़कों का वीडियो हो रहा है वायरल। तो जेएनयू के अंदर घुस करके जो है वो इस तरह के नारे लगाए थे, और एक भीड़ थी और उसमें एक लड़की भी थी कोमल, जो नकाबपोश थी, वो लड़की अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कहां गई वो लड़की? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए कनेक्शन क्या है, क्रोनोलॉजी को आप समझिए। ये जो नारे अभी लगाए गए हैं बंगाल के अंदर, ये नारे कौन लगा रहा था और कहां कहां पर लगा रहा था, इस क्रोनोलॉजी को आप समझिए। जेएनयू के अंदर जो है वो इस तरह के नारे लगते हैं, पुलिस के सामने भी लगते हैं, और पुलिस के सामने से ये लोग नारे लगाने के बाद में हॉस्टल में तोड़फोड़ करने के बाद में वहां से गुजरते हैं, और पुलिस खड़ी हुई देखती रहती है। वो वीडियो जो है जनवरी के महीने में 2020 में आपको याद होगा, साल भर पहले जो है, करीब करीब साल भर पहले वो वीडियो वायरल हुआ था, और तब से लेकर के अब तक वो लड़कियां, वो लड़के, वो नकाबपोश जो है वो पकड़े नहीं गए हैं। एक और जो है इसी तरह का नारा लगा था, और वो लगा था बीएचयू में नारा लगा था सिंह द्वार पर, वामपंथ की कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पर। ये जो नारा है वो डेली हंट की खबर है, और ये जेएनयू के बाद में जो है ये नारा फिर बीएचयू में भी लगा कि वामपंथ की कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पर। तो आप समझ जाइए कि कौन लोग जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि ये तस्वीर में जो है तेजेंद्र पाल बग्गा बीजेपी का नेता है, और वही लोग जो है वो वहां पर पहुंच करके बंगाल के माहौल को किस तरह से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बंगाल का जो कल्चर है उस चीज को बीजेपी नहीं समझ पा रही है, क्योंकि इन्होंने जो नारा लगाया है मां दुर्गा के लिए जो बात कही है, बंगाली कभी इस बात के लिए माफ नहीं कर पाएंगे, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से ये लोग जय श्री राम का नारा लगा करके जो है वो दूसरे लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन बंगाल के अंदर मां दुर्गा की जो पूजा होती है और उसके लिए जो है जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है मां दुर्गा के लिए, ऐसे में बंगाल के लोग जो हैं वो इनको माफ नहीं करेंगे। लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए कि एक तरफ इन लोगों की तरफ से जो नारे लगाए गए हैं मां दुर्गा के लिए, जो अपशब्द कहे गए हैं, इसके बाद में दूसरी तरफ के जो लोग हैं, दूसरे समर्थक जो हैं, वो कहीं पर जो है वो इसका रिटेलिएट ना करें और वहां पर कोई भिड़ंत देखने को ना मिले, चुनाव जो है वो हिंसात्मक ना हो, इस बात की जो है वो उम्मीद की जानी चाहिए। चुनाव वहां से शांतिप्रिय ढंग से होंगे तो निश्चित तौर पर जो लहर अभी दिखाई दे रही है वही नतीजों में बदल जाएगी, क्योंकि अगर हिंसा होती है तो फिर उस हिंसा का किसको फायदा होगा, कौन वह हिंसा करवाएगा, उससे पूरा चुनाव का समीकरण जो है वो बदल जाएगा। यह बड़ी बात है, और शायद इसीलिए कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बंगाल में यह चुनाव हिंसात्मक हो जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि बंगाल की जनता इनके एजेंडे में फंसेगी, या बंगाल की जनता जो है बंगाल का कल्चर खराब करने के लिए इन लोगों की वहां पर एंट्री नहीं करवाएगी? आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।